नमस्कार दोस्तों, नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अनिल शुक्ला फिटर में स्वागत है। दोस्तों, स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, देखिए आईटीआई की बात में पिछले चैप्टर में हमने जो बताया था आपको, पिछले चैप्टर में हमने आपको वाइस के बारे में बताया था, क्योंकि वर्कशॉप में कार्य करते समय किसी भी जॉब को पकड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी युक्ति का साधन वाइस है, एक प्रकार की युक्ति का साधन वाइस है, ठीक है। इसी प्रकार वर्कशॉप या कार्यशाला या अन्यत्र जगह पर भी जब भी हम ठोकने और पीटने का काम करते हैं, जब भी हम किसी भी वस्तु को ठोकने या पीटने के दीवार में कील ठोकनी है, उसके लिए भी हमें उस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, आज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है हैमर। हैमर, इसे हम हथौड़ा, हथौड़ी या हथौड़ा, ठीक है ना, कहते हैं। तो आज जब हमारी बात आती है कि हैमर, तो ये क्या होता है, हथौड़ी या हथौड़ा, ठीक है ना। अब देखिए, हथौड़ा चैप्टर जैसे ही हमने लिखा, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, व्हाट इज दिस, अभी हमने जवाब दे दिया आपको। इसके द्वारा हम ठोंकने और पीटने का काम करते हैं, क्या करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पहले भैया इनका परिचय बताते हैं। इसके द्वारा हम ठोकने और पीटने का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु को, जैसे हमें दीवार में कील ठोकनी है, उसके लिए भी हमें हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे। हम पत्थर भी उठा लेते हैं, पर वहां पे हम इस्तेमाल हथौड़ी की तरह ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हथौड़ा अपने भार और आकार से निर्दिष्ट होता है। भार और आकार, समझ रहे हैं, भार और आकार। सबसे पहले तो इसे हथौड़े को जब भी हम इसको विशिष्ट करेंगे, इसका जब भी हम उपयोग करते हैं, तो वजन के हिसाब से करते हैं, बात समझ रहे हैं ना, 200 ग्राम, 250 ग्राम, इस टाइप से, 1.5 kg, 1.5 ग्राम से लेके हमारे यहाँ 10 kg तक के हथौड़े अवेलेबल होते हैं और हम यूज़ करते हैं। इससे बड़े बड़े भी होते हैं, फिर वो पावर होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखिए, परिचय के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे ये प्रकार, प्रकारों में ही हम उसका मटेरियल समझ लेंगे। देखिए, एक यही एक ऐसी एक चीज़ है जिसके मटेरियल धातु और अधातु दोनों हो सकता है, धातु और अधातु दोनों हो सकता है, जरूरत के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, धातु और अधातु दोनों हो सकता है, जगह और जरूरत देख के ही उसको उपयोग में लाया जाता है। यही कॉन्सेप्ट हर जगह है, पूरी आईटीआई में जितने भी पार्ट बनते हैं, स्क्रू नट बोल्ट जितने कुछ भी आते हैं, उन सब का जगह और जरूरत के हिसाब से ही उसे बनाया गया है। जगह और जरूरत के हिसाब से, कितनी जगह है, कितनी ज़रूरत है और कितने दिन तक की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को तोलने के बाद ही किसी भी चीज़ को बनाया जाता है। तो इसी तरह यह हैमर है, यह काहे का कार्य करता है, ठोकने या पीटने का कार्य करता है। ठोकने या पीटने का जब भी हम कार्य करते हैं, तो उसमें हम हथौड़े की सहायता लेते हैं। यह जनरली कास्ट स्टील का बना होता है, कास्ट स्टील, स्टील जब भी हमें पूछेंगे कि, और या हाई कार्बन स्टील, इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। ये दो ऑब्जेक्ट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे सही जनरली यही पूछता है, कास्ट स्टील, ठीक है ना, ढाल के बनाया जाता है जनरली, फिर उसमें कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, उसको हार्ड किया जाता है कार्बन की मात्रा डाल के, तो वही हो जाता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। इसमें और इसमें फर्क इतना है कि इसे कास्ट किया जाता है और इसे मिक्सचर करके हार्ड करके बना के फिर यूज किया जाता है।
थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ज़्यादा चलता है यह कम चलता है, ठीक है आप ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद है इसके प्रकार। प्रकार में सबसे पहले हमको इतना जानना है कि दो प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, एक इसकी आकार से, पेन के आकार से, पेन पेन के आकार वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण। और उसके भार से, ठीक है। अब ये दो चीज ध्यान में रख के हमको प्रकार देखना है, दो प्रकार से हैं पेन के आकार से। अब सबसे पहले हम नॉर्मली प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हैंड हैमर, हैंड हैमर, हैमर बोलते हैं हम इसको टेक्निकल भाषा में। दूसरा होता है हैंड हैमर के बाद आता है पावर, सॉरी स्लेज हैमर, स्लेज हैमर। फिर तीसरा होता है पावर हैमर। चौथा आता है सॉफ्ट हैमर। पांचवा आता है क्ला हैमर। ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान देना है इस चीज में आपको भी, ध्यान देते रहना है। क्ला हैमर, ठीक है ना। अब मैं एक एक करके आपको हैमर बता देता हूँ हैमर के बारे में। सबसे पहले आता है हैंड हैमर। हैंड हैमर में तीन प्रकार के होते हैं जिनका आकार पेन से लिया जाता है, ठीक है ना। इनका आकार पेन से लिया जाता है, पेन, ठीक है ना। एक होता है बॉल पेन, बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन। ध्यान दीजिएगा ये तीन प्रकार के होते हैं, बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन। ध्यान दीजिएगा बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन। सबसे ज़्यादा उपयोग बॉल पेन का ही किया जाता है, ज़रूरत अपने हिसाब से होती है। हम जब पंचिंग भी करते हैं तो इसी का इस्तेमाल, पंचिंग, रिबिटिंग, ठीक है ना। फोर्जिंग फील्ड में भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। फोर्जिंग में खास तौर से सीट मेटल कार्यों में क्रॉस पेन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ध्यान दीजिएगा, ज़रूरत बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सा यूज़ होता है। बॉल पेन रिबिटिंग करने में बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसका जो पेन होता है वो गोल होता है, ठीक है ना। ये हो गया इसकी हथौड़ी और ये हो गया इसका हैंडल, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका पेन, पेन, और ये होगा कि इसका चीक, चीक बोलते हैं इसको, सी एच डबल ई सी के, ठीक है ना, आप ऐसे जानिए चीक। इसको बोलते हैं फेस, फेस इसको बोलते हैं। यहाँ पे इस वाले भाग को जिसमें हैंडल जिसमें फिट होता है उसको हम आई होल बोलते हैं, आई होल, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए आई होल, आई होल, ठीक है। और आई होल में ही जब हम हैंडल को फिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा हैंडल को जब हम फिट करते हैं तो हैंडल ज़्यादा हच ना हो, हिले डुले ना, उसके लिए जो हम पेचड़ी लगाते हैं, कोई भी लोहे का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा उसको सपोर्ट में उसको कड़ा करने के लिए जब भी हम उस पर ठोकते हैं और फिट करते हैं उसे हम वेज बोलते हैं, पेचड़, वेज, ठीक है ना। उसको एक तरह का सहारा है वो कड़ा रखने का, ठीक है ना। पेचड़ी भी बोलते हैं, पेचड़ बोलते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ को सपोर्ट में कवर करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। पेन कभी कभी टूट जाता था तो हम लोग क्या करते थे, धागा वागा बांध लेते थे तब फिर उसको कवर करते थे या टेप चिपका लेते, तो उस टाइप का एक जुगाड़ है। तो उसको हमने नाम दिया है वेज का, ठीक है ना, वो भी ज़रूरत के हिसाब से।
और मटेरियल के हिसाब से यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पहले निकल के किसी के लग सकता है, पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब आता है स्लेज हैमर। अब इनका वजन देख लीजिए, इनका वजन वही है 1.5 किलोग्राम से 2 केजी, ठीक है ना, 2 केजी आप रहने दीजिए, 1.5 केजी लिखिए, 1.5 केजी तक। ग्राम जीएम केजी, बस ध्यान दीजिए इतना होता है। ये हैंड हैमर नाम से ही है, हाथ से जो इस्तेमाल किया जा सके। 1 किलो तक का वजन आप हाथ से उठा सकते हैं, 1.5 किलो तक का वजन, ठीक है, हाथ से उठा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरे बॉडी के कंधों की जोर की जरूरत नहीं है। तो जितना वजन आप हाथ से उठा सकते हैं, इसीलिए उसको हैंड हैमर कहा गया। कंधे वाला आ रहा है, स्लेज, स्लेज हैमर, जिसको हम घन हैमर भी बोलते हैं, घन हैमर। देखने की बहुत जिज्ञासा होगी आपको, तो आप उनके यहाँ चले जाइएगा जो हमारे अनाज अन्य जहाँ हम उगाते हैं और उसको काटने के लिए जो हसिया फावड़ा ये सब बनाते हैं, जिनको हम लोहार भी कहते हैं, विश्वकर्मा जी कहते हैं, ठीक है ना, वो इनका ये पर्टिकुलर काम है। अब वर्कशॉप में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा घन हैमर, ठीक है ना, उस जब हम बड़ा पीटते हैं। या एक और जगह मिल जाएगा, जब आप कहीं पे घर पे काम करते हैं, जब घर बन रहा होता है तो सरिया जो होते हैं उसको अलग करने काटने के लिए हम उसी प्रकार के हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम घन हैमर बोलते हैं, जिसको उठाने में हमारे कंधे का वजन उठाने और चलाने में लगे। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। और इसको हम दोनों हाथों के अलावा एक हाथ से कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड हैमर, एक हाथ से। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें पूरे कंधों का बल चाहिए और दोनों हाथ चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये होता है आपका 2 किलो से 2 केजी से 10 केजी सीधे 10 केजी तक, ठीक है ना, 2 केजी से 10 केजी घन हैमर आपको। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आता है पावर हैमर। पावर खुद ही बता रहा है, इलेक्ट्रिक से चलता है, पावर विद्युत, विद्युत से चलता है, या पावर किसी भी अन्य सोर्स की पावर लगे तब चलता है, ठीक है ना, दबाव से चलता है, प्रेशर से चलता है। तो ये हो गया पावर हैमर, ठीक है ना, ये इसका भार हम नहीं लगाते हैं, इसमें पावर लगाते हैं, प्रेशर, कितना प्रेशर है, कितना दाब चाहिए, वो दाब कंट्रोल करने वाली मशीन आती है, ठीक है ना। अब देखिए सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल हम जनरली सॉफ्ट चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जैसे बियरिंग को है, बैरिंग, उसको हम ठोकेंगे खराब हो जाए, उसकी एक्यूरेसी नष्ट हो सकती है, उसके लिए हम सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करते हैं, नायलॉन हैमर का इस्तेमाल करते हैं, मैलेट हैमर का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी के हैमर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट चमड़े के लिए हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कई प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं सॉफ्ट हैमर। फिर उसके बाद होता है हमारा क्ला हैमर। क्ला हैमर ज़्यादातर हमारा बढ़ई गिरी सेक्शन पे इस्तेमाल होता है, उसमें आखिर में कुछ ये उसकी कुछ ऐसी बनावट होती है, इसकी वजह से हम उसको क्ला बोलते हैं, ऐसा ऐसा कैंची की तरह ऐसा, ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, उसके दोनों तरफ ऐसे फलक होते हैं जिनमें हम कभी कभी ऐसे कील को फंसा के उसको ऐसे तिरछा करके उखाड़ सकते हैं, लकड़ी वगैरह में जब भी हम ठोकते हैं उसे हम आसानी से उखाड़ सकते हैं, दीवार में ठोकते हैं तो दीवार में खराबी आ सकती है क्योंकि हार्ड मटेरियल है वहाँ पर ज़्यादा दबाव देने पर लकड़ी सॉफ्ट मटेरियल तो वहाँ पर उतनी खराबी नहीं आती, एक्यूरेसी भंग नहीं होती और उसे हम खींच लेते हैं, तो इसको हम क्ला हैमर बोलते हैं। कील निकालने में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है क्ला हैमर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कील निकालने में, कील को अगर उखाड़ना है, लकड़ी का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कील के द्वारा जोड़ रहे हैं, तो कील निकालने में काम आता है, ये सवाल पूछ लेता है। तो क्ला हैमर आज हमने आपको इतना सब कुछ बताया, बाकी की जो अगली क्लास है उसमें हम आपको बाकी चीज़ें क्लियर करेंगे। दोस्तों क्लास में ध्यान देते रहिए, सारे स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल रहें, देखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने सिर्फ हैमर के प्रकार तक बताए हैं, इसी की क्लास हम आगे
बाद में और डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। जो कुछ भी नया मिलेगा, नहीं मिलेगा नया, आपके समझ में आ गया होगा तो दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं और एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सबको समझा दें कि समझ में आता रहे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उसके बाद एक विस्तार की क्लास फिर हम कभी बाद में लेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।